फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टडी जान पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार, एमएसटी सीटी 2023 पीसीएम पीसीबी के स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो या तो इंजीनियरिंग फार्मेसी एग्रीकल्चर किसी के भी स्टूडेंट हो, तो यार बहुत मन में डाउट आ रहा होगा, सर परसेंटाइल तो आ गई पर हमको कॉलेज लिस्ट कैसे बनानी है, हमको आती नहीं है, तो कुछ बता सकते हो कैसे बनानी है? तो बिल्कुल स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो आपकी कॉलेज लिस्ट बनाने में मैं आपकी हेल्प करूं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस गूगल फॉर्म के लिंक को फिल करो और 99 रुपीज पे करो, फिर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, फिर आपको मैं हेल्प कर पाऊंगा किस तरीके से आपको कॉलेज फॉर्म बनानी हो, लिस्ट में आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपके परसेंटाइल पे क्या मिल सकता है बता दूंगा। पर जनरली जिसको नहीं लेना है उनके लिए कैसे होगा तो सुनिएगा। अगर समझो आपको 80% आया है तो आपको क्या करना है, आपको सीईटी की कट ऑफ लिस्ट निकालनी है। सीईटी की कट ऑफ लिस्ट निकालकर 90% से लेके 70% तक जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे आपको जो है अपने एक बुक पे लिखना है। फिर देखना है कि आपको कौन से कॉलेज, उनमें देखो सबसे ऊपर आपको वो वाला कॉलेज रखना है जिसका कट ऑफ 90 है, फिर 88, 87, 86, 85, फिर आपके परसेंटाइल 80 है वो वाला कॉलेज, फिर 79, फिर 78, 77, 76, इस तरीके से, फिर 90 से लेकर 70 तक हर एक कॉलेज का आपने बना लिया। अब आपको यही सेम कॉलेज आपका जिस दिन कॉलेज चॉइस फिलिंग होगा वो अपने चॉइस फिलिंग में भरना है, ठीक है? क्यों पता है, कभी कभी होता है कि कोई कोई कॉलेज का कट ऑफ 90 है तो हो जाए, क्या पता किस्मत हो भगवान भरे से 90 का 80 आ जाए, तो इसलिए हमको उसको भी रखना है। और हो सकता है कि अगर हमको 80, 81 वाला भी शायद कट ऑफ नीचे ना आया तो हमको 79 और 80 वाला तो मिल ही जाए। तो इस तरीके से आपको कट ऑफ लिस्ट रखनी है। तो होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो मेरे से पूछ लेना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।